Hey guys, assalamu alaikum, sat sri akal. I hope aap sab bahut acche honge. Hum bhi bahut acche hain. Main hoon Rania. Main hoon Rohan. Aur aap dekh rahe hain Hindustani Couple Reaction. To hum aa gaye aapke liye ek new video lekar aur ye video bahut hi अच्छी होने वाली है, तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो का टाइटल है शॉकिंग वीडियो, 12 साल के बच्चे ने एक्सेप्ट किया इस्लाम। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। यस गाइस, 12 साल की एज में इसने इस्लाम कबूल किया है। इस एज में बहुत से लोग, बहुत से मतलब बच्चे है जो मैच्योर नहीं हो पाते, तो देखते हैं इनकी स्टोरी क्या है। आप लोग भी लास्ट तक के देखो, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाले, आप लोगों को पूरा डिटेल में पता चलेगा इस वीडियो को लास्ट तक के देखोगे तो। एंड ज्यादा से ज्यादा गाइस शेयर कर देना, आप लोग बहुत कम सपोर्ट दिखा रहे हो वीडियोस में, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर काफी टैलेंटेड बच्चे देखे होंगे जो कुछ ऐसा कारनामा कर देते हैं कि जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे लड़के की वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसने 12 साल की उम्र में अपने मुकम्मल जिंदगी के अकायद, अपने मुआशरे और अपने खानदान को छोड़कर एक ऐसा फैसला किया जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को हैरान करके रख दिया, और वो फैसला इनके इस्लाम कबूल करने का है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस 12 साल के लड़के ने अपनी एक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जिसमें इसने अपना नाम जस्टिन बताया है, और ये बच्चा इस वीडियो का आगाज इस बात से शुरू करता है कि मेरा ईसाइयत में आज आखिरी दिन है और मैं इस आखिरी दिन पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के दौरान एक बात पर तवज्जो दें, और वो ये है कि एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए इस बच्चे की जगह पर आप अपने आप को तसव्वुर करें, तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस बच्चे ने कितनी कमाल और बहादुरी का मुजाहरा किया है। अपनी वीडियो में ये बच्चा कहता है कि मैं एक ईसाई खानदान में पैदा हुआ, मुझे अपना मजहब बहुत पसंद था, लेकिन 12 साल की उम्र में कुछ शुबहात होने लगे। मैं खुद से अक्सर ये सवाल करता कि बाइबल में जो कुछ भी है, ईसाई उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं, जैसे कि खिंजीर का गोश्त खाना और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बाइबल में हराम है, लेकिन ईसाई उन्हें खुले आम करते हैं। दूसरी बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे खुदा हो सकते हैं, और अगर वो खुदा है तो खुदा सलीब पर कैसे मर सकते हैं, फिर कायनात को कौन चला रहा है। लेकिन मैं फौरन इस्लाम की तरफ नहीं आया, बल्कि पहले यहूदियत पर तहकीक की। इसका कल्चर काफी शानदार था, लेकिन मुझे इसका भी कुछ खास समझ नहीं आया। मजीद ये कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा होने से इनकार नहीं करना चाहता था, लेकिन इस पर मैंने 4 महीने गौर फिक्र किया। 4 महीने बाद मैं यहूदियत की तरफ जाने से रुक गया, इसकी जगह कोई और मजहब ढूंढने लगा। अब सिर्फ एक ही मजहब बाकी था जिसकी तरफ मुझे आना था, और वो इस्लाम था। इस्लाम के बारे में मैंने काफी कुछ सुना था कि ये दहशत गर्दी का मजहब है और ये इंसानों पर तशद्दुद करता है, लेकिन ये सब झूठ था। जब मैंने इस्लाम पर तहकीक शुरू किया तो ये सब बातें मुझे आसानी से समझ आ रही थी, अल्लाह के बारे में, तौहीद के बारे में और पैगंबरों के बारे में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर तहकीक शुरू की कि वो कैसे अल्लाह का पैगाम लाए और मक्का वालों को कैसे मुसलमान किया, और ये मेरे लिए काफी हैरान कुन था कि इस्लाम की काफी सारी निशानियां साइंस से साबित हो चुकी हैं, जैसे कि बिग बैंग का नजरिया। इसके अलावा काफी सारे सबूत जिनकी तस्दीक 20वीं सदी में हुई है। इस वीडियो में जब 12 साल का लड़का अपना वाक्या सुनाते वक्त जब इस जगह पर पहुंचा तो ये कहता है कि मैं इस वीडियो का एहतिताम इस बात पर करूंगा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और बंदे हैं। इसी के साथ इसकी वीडियो खत्म हो जाती है। And I gotta say that there is no God but God, and Muhammad is his messenger. Goodbye. दोस्तों, अब आप खुद गौर करें कि हम मुसलमानों में करोड़ों और अरबों लोग हैं जो इस्लाम पर अमल करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फिरका वारियत के फितने में मुब्तला हैं। अपने इर्द गिर्द आपने काफी सारे लोगों को सुना होगा कि जो बारह ये बातें करते हैं कि इतने ज्यादा फिरके आ गए हैं और हम किस फिरके की तरफ जाएं, किस फिरके वाले मौलवी की बात माने। ये वो लोग हैं जिनके पास इस्लाम की कोई अहमियत नहीं है, अपने दीन की कोई अहमियत नहीं है। इतना तो सबको मालूम है कि अल्लाह के रसूल जब आए थे उस वक्त तो कोई फिरका नहीं था, सहाबा में कोई फिरका नहीं था, ताबाई में कोई फिरका नहीं था,
तबा तबाई में कोई फिरका नहीं था, बल्कि सब मुसलमान थे और कुरान और सुन्ना पर अमल करते थे। हमारे इन फिरकों के काफी सारे लोगों को इस बात का पता भी नहीं है, लेकिन उनमें इतनी जरूरत नहीं होती कि वो हक बात कर सके। लेकिन इस जरूरत और गैरत का मुजाहिरा इस छोटे से बच्चे ने की है, और वो भी छुप कर नहीं, पूरी दुनिया के सामने वीडियो बनाकर ऐलान किया है कि मैं ईसाई मजहब छोड़ रहा हूँ। इसके खानदान वालों, इसके दोस्तों और आसपास सोसाइटी वालों को इसकी बातें कितनी बुरी लगी होंगी, और मुमकिन है कि वो लोग इस बच्चे को नुकसान भी पहुंचाएं। लेकिन इस बहादुर इस्लाम के शहजादे ने इसकी कोई परवाह नहीं की। अल्लाह हमें भी इस बच्चे जितना मजबूत ईमान अता फरमाए और इस बच्चे की इस वीडियो को काफ़ी सारे लोगों की हिदायत का जरिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अगर आप इस बच्चे की इतने छोटे से बच्चे ने इस्लाम कबूल किया यार, बहुत बड़ी बात है कि इतना छोटा है वो और उसने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद वीडियो वायरल करना कितनी बड़ी बात है यार, और एकदम सामने आके बोलना कि जो ईसा मसीह है वो मैसेंजर है, वो गॉड नहीं हो सकते। ठीक है, अगर वो गॉड होते तो उन्हें जो उसमें लटकाया गया था ना सलीब, हाँ सलीब पे, वो नहीं होता। ये चीज बहुत सही बात बोल रहे हैं। जो उसके पॉइंट्स थे वो एकदम एक्यूरेट, बहुत ही बेहतरीन थे, सोचने वाली चीज थी जिससे उसका दिमाग बदला कि अगर ईसा मसीह खुदा है तो वो सलीब में कैसे मर सकते हैं। और फिर यहूदियों के बारे में भी बहुत ही, मतलब उसने सच में बहुत अच्छी बात की है उस चीज, और रिसर्च किया है रियली बहुत कुछ, और बहुत अमेजिंग वीडियो था, हमें तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है, और कमेंट जरूर करना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और भी सेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।